मटन है जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके लिए मैं इसको मैरिनेट करने के लिए मैंने 3/4 कप दही लिया है, आपका 1 टीस्पून हल्दी लिया है, 1 टीस्पून आपका मिर्च पाउडर है, 1/4 टीस्पून आपका काली मिर्च पाउडर है, आपका ये जीरा पाउडर है 1 टीस्पून, और ये है आपका 1.5 टेबल स्पून आपका धनिया पाउडर। अब हम इस सभी मसाले को इसमें मिक्स करते हैं। सबसे पहले मैं दही डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रहा हूँ जो कि मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। ये आपका 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, इसे भी मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ। 1 टीस्पून आपका मिर्च पाउडर है, इसे भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये 1 टीस्पून आपका जीरा पाउडर है, इसे भी मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ। और ये हमारा 1/4 टीस्पून मरीच पाउडर, इसे भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब इसे हम अच्छे से, मैं इसे जा रहा हूँ मिक्स करने के लिए, अच्छे से मिलाएंगे हम इसको पूरा। मिलाते समय पूरा ध्यान रखेंगे कि सभी मटन में इक्वली सब कुछ अच्छे से मिक्स हो। ये देखिए ये कितना अच्छा मिक्स हो गया है। अब इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। चलिए अब हम इसे फ्रिज में रख के आते हैं। ये देखिए मैं इसे अब फ्रिज के अंदर 2 घंटे के लिए छोड़ रहा हूँ। 1 kg मटन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 प्याज लिया है, देख सकते हैं आप। 1 आपका बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, और ये काली मिर्च है 8 से 10, अदरक, 2 आपके टमाटर, 2 लहसुन और 3 मिर्च। प्याज को हम लंबे लंबे साइज में काट लेंगे, लंबे लंबे कार में काट लेंगे, और इन तीनों का हम पेस्ट बना लेंगे। इन तीनों का हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर पेस्ट बना लेंगे, और टमाटर को भी मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बना लेंगे। चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। ये देखिए हम प्याज को लंबे लंबे आकार में कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह सभी हमको सभी प्याज को लंबे लंबे आकार में इस साइज में काट लेना है। काट रहे हैं इसी तरह हमें सारा प्याज को काट लेना है। आइए हम मटन बनाने के लिए सबसे पहले कुकर को गैस पर चढ़ा देते हैं। उसमें हम 1/2 कप ऑयल डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं ये 1/2 कप है, 1/2 कप ऑयल मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा को मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, देख सकते हैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसमें 2 तेज़पत्ता डाल रहा हूँ, उसके बाद 1 खड़ी लाल मिर्च, इसको थोड़ा सा सौटे होने देंगे। इसके हो जाने के बाद हम इसमें जो हमने खड़ा गरम मसाला लिया था उसको ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करने के बाद, थोड़ा पक जाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने खड़े, देखिए हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं जो हमने लंबे कड़ में प्याज काटे थे, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। सारा प्याज को हम इसमें ऐड कर रहे हैं, हम मिक्स कर देंगे और अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट प्याज को लाल होने में लगेगा टाइम, तो इसको हम ढक रहे हैं। फ्रेंड से चेक करते हैं, ठीक है, हाफ अभी डन हो चुका है, अभी और समय लगेगा इसमें, 10 मिनट और लगेगा, इसे वापस से हम ढक देते हैं। आइए फ्रेंड चेक करते हैं इसे, ये कितना हुआ है। ये देखिए अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट बनाया था, वो इसमें हम ऐड कर रहे हैं। जो चलाते हैं
इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आइए फ्रेंड, ये देखिए ये हो चुका है, पक चुका है। अब इसमें हम मटन को जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था उसे ऐड करेंगे। सारा मटन को हम उसमें ऐड कर रहे हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मटन डाल रहे हो, क्योंकि इसमें दही रखा है, तो आँच को यानी कि गैस को बिल्कुल लो कर दीजिएगा, नहीं तो दही फट जाएगा आपका। इसमें सारा कुछ मसाला भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। चलिए, ये हमने सब कुछ इसमें डाल दिया है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये हो गया है, अच्छे से मिक्स हो जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम ढक देते हैं, इसको ढक देते हैं, फिर हम 10 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। फ्रेंड चेक करते हैं इसे, 10 मिनट हो चुका है। अब 10 मिनट बाद मैं इसे खोल रहा हूँ। ये देखिए मटन ने काफ़ी सारा पानी भी छोड़ा है, अब ये इसमें अच्छे से आराम से पकना भी चालू हो गया है। इसे हम थोड़ा सा अच्छे से मिला मिक्स कर देते हैं वापस से, और उसके बाद वापस से फिर से ढक दे रहे हैं, और फिर हम इसे 10 मिनट बाद इसे चेक करते हैं हम। मटन में पकना चालू हो गया है, अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं और 1/2 टीस्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको हम मिक्स कर देते हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं, अगर कम लगेगा तो बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हम देखिए मिक्स कर दे रहे हैं, और वापस से इसको हम ढक देते हैं। आइए फ्रेंड, इसे हम खोल के देखते हैं। देखिए कलर कितना अच्छा आया है। इसको हम इसमें मुझे नमक थोड़ा कम लगा था, इसलिए मैं इसमें 1/2 टीस्पून मतलब इस 1 टीस्पून का ये चम्मच है, इसमें 1/2 टीस्पून मैं नमक और ऐड कर रहा हूँ। और ये मैंने 2 टमाटर मिक्सर ग्राइंडर पीस रखा है, उसे भी ऐड कर रहा हूँ। अब इसे हम सबको मिक्स कर देते हैं अच्छे से, उसके बाद इसे वापस से ढक देते हैं। ये फ्रेंड इसे हम वापस खोलते हैं, 1-2 मिनट बाद हम इसे खोल रहे हैं, और इसे हम वापस मिक्स करके देखते हैं क्या कलर आया है। देख रहे हैं आप फ्रेंड, मटन काफ़ी अच्छा कलर दिख रहा है मसाले का, मसाला भी अच्छा भुना गया है। तो अब इसमें हम 1 टीस्पून पिसा हुआ, घर का पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं पानी मैं 1 कप ऐड कर रहा हूँ, ये 1 कप है, देख लीजिए 1 कप और ऐड कर रहा हूँ मैं पानी। ये मैं 1 कप से थोड़ा सा कम पानी को और ऐड कर रहा हूँ, टोटल मैंने 2.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, अच्छे से मिला देते हैं सभी चीज़ों को, उसके बाद इसे हम बंद कर देते हैं। इसे अब हम बंद कर रहे हैं। अभी तक हमने मीडियम से लो फ्लेम में इस मटन को पकाया है, अब इसे हम थोड़ा फुल कर देते हैं, मीडियम से हल्का ज़्यादा गैस को मैं बढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं गैस को मीडियम से फुल कर रहा हूँ। अब इसे हम छोड़ देते हैं 3 सीटी आने तक। 3 सीटी आने के बाद इसे हम थोड़ी देर बाद छोड़ने के बाद टोटल 3 सीटी इसमें दिलवाया है। फ्रेंड इसमें टोटल 3 सीटी बज चुकी है, अब मैं इस गैस को बंद कर रहा हूँ। अब हम इस कुकर को इसी तरह छोड़ देंगे ताकि इसका जो
एयर प्रेशर है वो कम हो जाए, फिर हम इसे चेक करें। ये देखिए इसका एयर प्रेशर पूरा कम हो चुका है, इसे अब हम खोलने जा रहे हैं, चेक करते हैं कि कैसा लग रहा है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम जायफल को ऐड करेंगे। ये देखिए इस जायफल को मैंने पीस लिया है और इसमें ऐड कर रहा हूँ, हाफ टी स्पून है ये, हाफ टी स्पून से भी लगभग थोड़ा कम होगा। और इसमें अब मैं 2 बूंद केवड़ा वाटर ऐड कर रहा हूँ। धनिया पाउडर, धनिया पत्ता इसमें हम मिक्स करते हैं और इसको मिला देते हैं थोड़ा देर, ऐसे में बंद करके से टाइम। ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा कलर आया है और मटन हो चुका है, बन गया है और मैंने इसे एक सर्विंग बॉल में सर्व किया है। ये देखिए फ्रेंड मैंने इसे एक सर्विंग बॉल में सर्व किया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।